अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी होती है? सात्विकी, राजसी अथवा तामसी? श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह श्रद्धा उनके स्वभाव से उत्पन्न होने के कारण सात्विकी, राजसी और तामसी, इन तीन प्रकार की होती है। उसको तू मुझसे सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके प्राकृतिक स्वरूप के अनुरूप होती है। यह मनुष्य श्रद्धामय है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वैसा ही उसका स्वरूप है। सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, राजसिक मनुष्य, यक्ष और राक्षसों को, तथा तामसी मनुष्य भूत प्रेत को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि के विपरीत होकर घोर तप करते हैं तथा दंभ अहंकार से युक्त हैं और कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो अज्ञानी मनुष्य शरीर में स्थित 5 भूतों को तथा अपने अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, उनको तो असुर स्वभाव वाला जान। सबका प्रिय भोजन भी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है। इसी प्रकार यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस भेद को तू मुझसे सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्यता, सुख और प्रीति बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने, स्थिर रहने वाले, अर्थात जिसका सार शरीर में अधिक समय तक बना रहे तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय, ऐसे भोजन सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, नमकीन, अत्यंत गर्म, तीखे, रूखे और दाहकारक भोजन राजसिक मनुष्य को प्रिय होते हैं। ये भोजन दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाले हैं। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, जूठन और अपवित्र भी हो, वह तामसिक मनुष्य को प्रिय होता है। जो यज्ञ शास्त्र विधि के अनुसार मन को साध कर बिना फल की इच्छा के कर्तव्य मानकर किया जाए, वह सात्विक यज्ञ है। हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी फल की इच्छा से अथवा दिखाने के लिए किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजसिक समझ। जो यज्ञ बिना शास्त्र विधि से, बिना अन्न दान के, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किया जाता है, उस यज्ञ को तामसिक यज्ञ कहते हैं। ईश्वर, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन करना, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अहिंसा, यह सब शारीरिक तप कहा जाता है। जो शब्द उद्वेग उत्पन्न ना करे, जो प्रिय, हितकारक और सत्य हो तथा वेदों के अध्ययन का नियमित अभ्यास, ये वाणी के तप कहलाते हैं। मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और अंतःकरण की पवित्रता, ये सब मन के तप कहलाते हैं। इस तरह 3 प्रकार से, मन से, वचन से, शरीर अर्थात कर्म से, फल की कामना से रहित और परम श्रद्धा भाव से किए गए तप को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा दिखाने के भाव से किया जाता है, वह अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजसिक कहा गया है। जो तप मूर्खता पूर्वक, हट से स्वयं को कष्ट देकर अथवा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामसिक कहा गया है। दान देना एक कर्तव्य है,
इस भाव से जो दान अभावग्रस्त क्षेत्र और उचित काल में तथा उचित पात्र को बिना किसी उपकार के अपेक्षा के दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। किंतु जो दान प्रतिफल की कामना करते हुए दिया जाता है और जिसे देने के बाद पश्चाताप हो, वह दान राजसिक कहा जाता है। जो दान तिरस्कार के साथ अयोग्य देश काल में किसी कुपात्र को दिया जाता है, वह दान तामसिक कहा गया है। ओम तत् सत्, ये तीन अक्षर ब्रह्म का निर्देशित नाम कहे गए हैं। इन्हीं से आदिकाल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ की रचना हुई। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरुषों के शास्त्र विधि से किए गए यज्ञ, दान और तप की क्रियाएं सदैव ओम के उच्चारण के साथ प्रारंभ होती हैं। तत् कहे जाने वाले परमात्मा ही सब कुछ है, ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले फल की इच्छा किए बिना यज्ञ, तप तथा दान की क्रियाएं करते हैं। हे पार्थ, सत नाम का प्रयोग परमात्मा के सत्य भाव व साधु भाव में किया जाता है। श्रेष्ठ और शुभ कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग होता है। यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है, वह भी सत कही जाती है। इसलिए परमात्मा के लिए किया गया कर्म भी सत ही कहलाता है। हे पार्थ, बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ, दिया हुआ दान और किया गया शुभ कर्म असत कहा गया है, क्योंकि न तो वह इस लोक में और न ही मृत्यु के बाद लाभदायक होता है।